two souls colliding. We shared the pieces of ourselves. It's perfect time. तो हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में आप सभी को यहाँ पे नेक्स्ट संडे कमेंट बॉक्स बताने वाला हूँ कि यहाँ पे अपकमिंग अपडेट्स यानी कि जो भी मुझसे सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवालों का आपको यहाँ पे जवाब देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आप इस वाले यूट्यूब चैनल में पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से करके जाना और शेयर भी ज़रूर से कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू अब हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल, Redmi 9 Prime में अपडेट कब पब्लिकली होगा, प्लीज़ आंसर मी। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे Redmi 9 Prime के लिए इंडिया रीजन के लिए MIUI 13.0.1.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट MI Pilot Test Race के लिए रिलीज़ हो चुका है। इसके रिगार्डिंग मैं पूरी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और ये अपडेट अभी के लिए केवल MI Pilot Test Race के लिए ही रिलीज़ किया गया है 2.6 GB के साइज़ में। सिक्योरिटी पैच अक्टूबर का इसमें अपडेटेड कर दिया गया है। मोर फीचर्स एंड इम्प्रूवमेंट्स में आपको ऑप्टिमाइजेशन, माइंड मैप, नोट्स आर मोर कन्वीनियंट एंड इनिशिएटिव नाउ, और इसी के साथ अनेंस एक्सेसिबिलिटी सपोर्ट फॉर फोन क्लॉक एंड वेदर। तो आपके लिए MIUI 13.0.1.0 इंडिया स्टेबल अपडेट अभी के लिए MI पायलट्स में ही यहाँ पे इसको रखा गया है। यहाँ पे इसको पब्लिक में अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है। इस वाले अपडेट को पब्लिक में जब भी रिलीज़ किया जाएगा इसके रिगार्डिंग आपको पूरी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगी। और ये अपडेट यहाँ पे 6 तारीख को MI पायलट में रिलीज़ कर दिया गया था। इसके बाद अगला सवाल, Redmi 90 ग्लोबल वर्जन RJQMIXM। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप Redmi 90 ग्लोबल MIUI 13 की वजह से यहाँ पे RJQMIXM को ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए अब RJQ यहाँ पे SJQ बन चुका है। वो किस लिए बना है ये बता देता हूँ। ये अपडेट यहाँ पे Android 12 पर भी है, ना कि Android 11 पे। और यहाँ पे RJQ शो करता है Android 11 को, और यहाँ पे SJQ शो करेगा आपके लिए Android 12 को। तो यहाँ पे Android 12 पर बेस्ड ये अपडेट रिलीज़ किया गया है 3.1 GB के साइज़ में फ्रॉम MIUI 12.5। इंडिया रीजन के लिए भी यहाँ पे SJQ INXM पर MIUI 13 पर बेस्ड अपडेट बहुत ही जल्द रिलीज़ किया जाएगा, जब भी रिलीज़ किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपको पूरी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे अगली इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, यानी कि अगला सवाल मुझसे यहाँ पे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे अगला सवाल वही पूछा गया है, Redmi 9 Power का MIUI 13 कब तक आएगा। तो यहाँ पे ग्लोबल शेबल के लिए MI पायलट्स में आ चुका है। इसके रिगार्डिंग मैं पूरी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, Redmi 99 Power MIUI 13.0.2.0 रिलीज्ड, और यहाँ पे Redmi 9 Power के लिए न्यू अपडेट कब तक आएगा। तो इस वाली वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, जा करके चेकआउट कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस आपको सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे ही देखने के लिए मिलती रहेगी। तो यहाँ पे इस वाले अपडेट में आपको दिसंबर के मंथ का सिक्योरिटी पैच भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13.0.2.0 विद दिसंबर 2022 सिक्योरिटी पैच। अब बात करते हैं यहाँ पे अगले डिवाइस की। अगला डिवाइस पूछा गया है, पोको C3 12.5 कब तक रिलीज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे पोको C31 के लिए तो MIUI 12.5 कब का रिलीज़ कर दिया जा चुका है। MIUI 12.5.3.0 इंडिया स्टेबल अपडेट विद सितंबर 2022 सिक्योरिटी पैच। और इस वाले डिवाइस के लिए सिक्योरिटी पैच पर एक न्यू अपडेट इस महीने में रिलीज़ किया जा सकता है, जब भी रिलीज़ किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपको पूरी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो सब्सक्राइब अभी से कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर से कर देना। तो मैं आपको बता दूं पोको C3 की, तो पोको C3 में अभी तक 12.5 को रिलीज़ नहीं किया गया है। इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आप यहाँ पे कमेंट में मुझसे कहेंगे कि पोको C3 पर एक वीडियो अपलोड कर दो, तो यहाँ पे पोको C3 के लिए अभी MIUI 12 के ही अपडेट्स चल रहे हैं विद एंड्रॉयड 12.5 को अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है। बाकी के लो एंड डिवाइसेस में 12.5 रिलीज़ हो चुका है विद एंड्रॉयड 11, चाहे आपका Redmi 9A हो, Redmi 9 इंडिया हो, Redmi 9C हो, 9C NFC हो। तो यहाँ पे MIUI 12.5 पोको C3 के लिए भी बहुत ही जल्द रिलीज़ किया जाने वाला है।
अगला सवाल पूछा गया है, पोको M3 में इंडिया में MIUI 13 कब तक आएगा। तो यहाँ पे पोको M3 के लिए ग्लोबल शेवल में MIUI 13.0.2.0 का ग्लोबल शेवल अपडेट रिलीज़ होने वाला है, बिल्कुल सेम टू सेम Redmi 90 की जैसे। Redmi 90 में यहाँ पे MI Pilot में 13.0.2.0 का अपडेट रिलीज़ हो चुका है 3.1 GB के साइज़ में, और अब ये सेम वर्जन में SJF MIXM M3 के लिए 3.1 GB के साइज़ में रिलीज़ होने वाला है। MIUI 13 Android 12 पर ग्लोबल शेवल अपडेट जब भी रिलीज़ किया जाएगा इसके रिगार्डिंग आपको पूरी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी मेरे YouTube चैनल पे, तो सब्सक्राइब और शेयर अभी से कर दीजिए, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर ही देखने के लिए मिलती रहेगी। तो यहाँ पर Redmi 90 में तो MIUI 13.0.2.0 MI Pilot में आ चुका है, अब यहाँ पर पोको M3 के लिए भी बहुत ही जल्द रिलीज़ किया जाएगा ग्लोबल में, उसके बाद Redmi 9 Power इंडिया में, उसके बाद Poco M3 इंडिया में। तो आपको जनवरी के मंथ तक Poco M3 इंडिया में MIUI 13 Android 12 पर बेस्ट अपडेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल, आई वॉज गॉट MIUI 13 अपडेट ऑन माई Redmi 9 ग्लोबल बट नाउ गोन, वट आई हैव टू डू नाउ। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका अपडेट यहाँ पे रोल बैक हो चुका है तो फिर आप रिकवरी रोम डाउनलोड करके चूज अपडेट पैकेज से इसको इजीली फ्लैश कर सकते हैं। अगर आपको फ्लैश करना नहीं आता तो मैं आपको बता दूं, आपको सिंपली सेटिंग्स ओपन करनी है, आपको सिंपली अबाउट फोन में जाना है, अपना सिस्टम अपडेटर खोलना है, MIUI के लोगों पे सेवरल टाइम्स टैप करना है, फिर आपके एडिशनल अपडेट फीचर्स ऑन हो जाएंगे, फिर आपको सिंपली थ्री डॉट्स पे क्लिक करके चूज अपडेट पैकेज से आपने वो डाउनलोडेड रोम की चिप फाइल को जहाँ पे भी सेव कर रखा है सिंपली उस वाले फोल्डर में जाइए और चूज अपडेट पैकेज से उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप Redmi 9 में MIUI 12.5 से 13 पे बूट हो जाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि इस वाले अपडेट को पब्लिक के लिए रिलीज़ कर दिया जा चुका है। और इसी के साथ अगला सवाल, Redmi Note 9 के लिए ये पेज अपडेट कब किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, Redmi Note 9 इंडिया में MIUI 13.0.3.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट इस महीने में रिलीज़ होने वाला है। इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वीडियो का लिंक इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं Redmi Note 9 MIUI 13.0.3.0 SJOINXM Android 12 इंडिया स्टेबल अपडेट इज कमिंग सून। और इसी साथ मैंने यहाँ पे कुछ पोस्ट भी किए थे, यहाँ पे Mi 20 प्रो के लिए 13.0.7.0 ग्लोबल शेबल, 11 का यूरोप शेबल और 6 का इंडोनेशिया, और Redmi Note 9 पे 13.0.3.0 पर यूरोप स्टेबल, इंडिया स्टेबल, इंडोनेशिया स्टेबल पर अपडेट्स आने वाले हैं। और इसी के साथ इनमें से कुछ डिवाइसेस के लिए अपडेट्स रिलीज़ हो चुके हैं। Redmi Note 9s के लिए यहाँ पे 13.0.2.0 दोनों रीजन्स में रिलीज़ हो चुके हैं। Mi 20 Pro के लिए 13.0.7.0 ग्लोबल शेबल अपडेट भी रिलीज़ हो चुका, अब यहाँ पे Redmi Note 9 के लिए भी इसी महीने में रिलीज़ कर दिए जाएंगे, जब भी कर दिए जाएंगे इसके रिगार्डिंग पूरी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब और शेयर अभी से कर देना। इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, Redmi 90 ग्लोबल MIUI 13 इसके रिगार्डिंग पहले ही बता चुका हूँ, ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है MI Pilot में, यहाँ पे पब्लिक में जब भी रिलीज़ किया जाएगा जब आपको भी देखने के लिए मिल जाएगा MIUI 13.0.2.0 का ग्लोबल शेबल अपडेट। इसके बाद अगला सवाल और आखिरी सवाल, MIUI 13 Xiaomi Redmi 8 Pro Android 12। तो मैं आपको बता दूँ, MIUI 13 Android 12 का दी एंड हो चुका है Redmi Note 10 सीरीज़ के लिए, यहाँ पर मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप इस वाले वीडियो को यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि आपको MIUI 13 का अपडेट यहाँ पे EOS डिवाइस में देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, यानी कि Redmi Note 8 Pro में देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो इस वाले वीडियो को जा करके चेकआउट कर लेना। तो फ्रेंड्स, यही था पूरा आज का संडे कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक से जरूर करें, क्योंकि एक लाइक से सपोर्ट मिलता है, और इसीलिए मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस रोज़ अपलोड करता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी ज़रूर से यहाँ पे कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।